नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में साइंस के सभी क्वेश्चन करेंगे, पूरा साइंस कवर करेंगे एक वीडियोस के माध्यम से, क्वेश्चंस के माध्यम से, जो कि आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो फिजिक्स में आपका पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? तो मूल मात्रकों की संख्या होती है ऑप्शन बी 7 होती है। अगला है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है ऑप्शन सी एम्पियर होता है। एक अश्व शक्ति या कह सकते हैं एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सुमेलित है? एक में देखिए राशि है, एक में मात्रक है। असुमेलित बताना मतलब गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही, जैसे कि विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, विभवांतर का होता है वोल्ट, तरंग दैर्ध्य का होता है एंगस्ट्रॉम। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है? ऑप्शन ए 9.46 × 10^15 मीटर। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में टोटल लीटर होते हैं ऑप्शन बी 159 लीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि नहीं है, ऑप्शन डी द्रव्यमान। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आवेग, इम्पल्स। ये आपकी क्या नहीं है? अदिश राशि नहीं है। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है? ऑप्शन सी न्यूटन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ। रॉकेट का आगे बढ़ना संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम। अगला क्वेश्चन आपका है, कपड़े धोने की मशीन व दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर कार्य करती है? ऑप्शन बी अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का कौन सा भाग होता है? ऑप्शन सी 1/6 भाग। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी त्वरण कहा जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? एस्केप वेलोसिटी कितनी है? ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है? ऑप्शन डी केशिकत्व का नियम। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्किमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता? ऑप्शन डी सीटी स्कैन। वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत देता है? तो ऑप्शन बी तूफानी मौसम का संकेत देता है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ऑप्शन डी अनुदैर्ध्य किरणें। असुमेले तथ्यों को पहचानना एक में तरंगें दूसरे में खोज करता है, गलत वाला बताना है आपको, ऑप्शन डी। बाकी के तीन जैसे कि गामा किरण की खोज बेकुरल, एक्स किरण विलियम रोंडजन, रेडियो तरंग की मार्कोनी। MCB का पूर्ण रूपांतरित नाम क्या होता है? ऑप्शन बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट, AC धारा। ट्रांसफार्मर किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस।
हमारी आँख किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? ऑप्शन बी उत्तल लेंस। किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी व्यक्ति की लंबाई का आधा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी तारों का टिमटिमाना। अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए श्यामपट का काला दिखाई देना। बाकी के तीन हैं, तारों का टिमटिमाना, पानी की गहराई कम लगना, पानी में छड़ी का तिरछा दिखाई देना। प्राथमिक रंग कौन से हैं? ऑप्शन बी नीला, हरा, लाल। सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है, जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? ऑप्शन सी बैगनी। प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी विक्षेपण। असुमेले तथ्य को बताइए। ऑप्शन डी बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जल का घनत्व कितने किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल में डूबी वस्तु का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। ऑप्शन सी सोनार। मुद्रा या नोट की प्रामाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? परावैगनी तरंगे। अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है तो पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए धुएं का ना फैलना। बाकी के तीन हैं, पानी की सतह पर तेल का चमकना, सीढ़ी पर विभिन्न रंगों का उभरना, पानी के बुलबुलों का चमकना। विसरण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन बी होलोग्राफी। बाकी के तीन हैं, जैसे कि भोजन व इत्र की खुशबू फैलना, डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्ध करना, सिगरेट और अगरबत्ती की खुशबू का फैलना। प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट को दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति का क्या क्या नाम है? तो ये नाम है ऑप्शन ए रेक्टिफायर। विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? ऑप्शन डी चांदी। ए जी सिल्वर। विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन धातु का। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं? ऑप्शन सी समानांतर क्रम में। केमिस्ट्री के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी लेवासिए। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन डी पानी का चीनी में घुलना। बाकी के तीन है, दूध का स्कंदन, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? ऑप्शन सी पाश्चुरीकरण। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, मरकरी, HG। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? ऑप्शन डी कार्बन। बाकी के तीन है, लोहा, सोडियम और पोटेशियम। अर्धचालक तत्वों को बताइए। तो सभी को पता होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है। वायु क्या है? तो वायु जो होती है ऑप्शन बी मिश्रण होती है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? नाइट्रिक ऑक्साइड। किस प्रकार का जल अन्न की अपेक्षा शुद्ध होता है? ऑप्शन सी वर्षा का जल अन्न की अपेक्षा शुद्ध होता है। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है।
स्कंदन द्वारा जल को शुद्ध करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो फिटकरी का। ठोस पदार्थ का सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन। मूर्तियों के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान एवं परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक कहलाते हैं। लोहे पर जंग लगने से इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए, भार में वृद्धि हो जाती है। किस विधि से पेट्रोल प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन बी, आसवन विधि। जंग रहित लोहा बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम। हिरोशिमा एवं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में कौन सा तत्व प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किसका प्रयोग शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रियोन। फोटोग्राफी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? रेडॉन। लहसुन में गंध किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये सल्फर के कारण उत्पन्न होती है। बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम का। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयोग होती है? ब्यूटेन। एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन गैस पाई जाती है, जबकि गैस रिसाव का पता किस गैस द्वारा लगाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन गैस। पेट्रोल ईंधन की क्षमता को दर्शाने वाला मात्रक क्या है? ऑक्टेन संख्या। असत्य तथ्य को बताना है? ऑप्शन है, बाकी के तीन सही। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल, चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। मोबाइल और लैपटॉप की बैटरियों में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, लिथियम। अब करेंगे साइंस जीव विज्ञान के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला है, वृद्धावस्था बुढ़ापा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो जेरेंटोलॉजी। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक हैं, ऑप्शन ए, कैरोलस लीनियस। जीन शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी, जोहानसन ने। अमीबा किस संघ का जंतु है? ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। किस जंतु को पुर्तगाल का सैनिक की संज्ञा दी जाती है? फाइसेलिया। केंचुआ किस वर्ग का जंतु है? संघ एनिलिडा। संसार का सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? संघ आर्थ्रोपोडा। चींटियों के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? मर्मिकोलॉजी। मेंढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये होते हैं, ऑप्शन सी, 3 प्रकोष्ठ होते हैं मेंढक के हृदय में। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं? पक्षी विज्ञानी। जीवन की आधारभूत इकाई किसे माना जाता है? तो कोशिका। शरीर का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गल्जी का है। किस प्रोटीन को फैक्ट्री कहा जाता है? किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो राइबोसोम को। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, लाइबोसोम। पौधे का हरा रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीशियम, MG। ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के आधार पर जीवों की वंशागति का नियम दिया? तो मटर के पौधे पर।
अनुवंशिकी रोगों के उपचार की विधि को क्या कहा जाता है? तो यूपेनिक्स। किस रोग को मस्तिष्क का बुखार कहा जाता है? तो जापानी इंसेफिलाइट्स। पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन बी यकृत। विश्व में एचआईवी एड्स के सर्वाधिक मामले किस देश में पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? वायरस को, विषाणु को। टाइगर मच्छर। अगला है, टाइगर मच्छर किसे कहते हैं? टाइगर मच्छर कहते हैं ऑप्शन बी एडीज मच्छर को। एरेनियोलॉजी क्या है? तो एरेनियोलॉजी है ऑप्शन बी मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है एरेनियोलॉजी। रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पलते हैं? तो मलबरी, शहतूत के पत्ते पर। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है, काइटिनी बाही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो कीट। निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो मक्खी। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है, इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। निम्न में से कौन सी धातु इटाइटाई रोग उत्पन्न करती है? कैडमियम, सीडी। साधारण जुखाम किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वायरस द्वारा होता है। टाइफाइड का वाहक कौन है? तो साल्मोनेला टाइफी द्वारा। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? गुंजन पक्षी। सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? तो एसीटे बुलेरिया। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? कार्डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव ऐसा है जिसमें पादप और जानवर दोनों के लक्षण पाए जाते हैं? युगलीना। तिलचट्टा किस वर्ग का है? सर्वाहारी वर्ग का। सितारा मछली का चलन अंग कौन सा होता है? तो नालपद। निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा जंतु है? व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडज स्तनी है? तो बतख, चोंच, डकबिल्ड, प्लेटिपस। निम्नलिखित में से किस कीट के तीन जोड़ी पैर होते हैं? बी और सी, मकड़ी के और जू के। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कृमि फीता कृमि होता है? तो टीनिया, ऑप्शन सी टीनिया। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी का अंतरण किसके द्वारा होता है? तो डीएनए द्वारा। डियाक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित है, तो ऑप्शन सी केंद्रक। अगला है, सबसे बड़ा सावक कौन सा जानवर पैदा करता है? तो नीली व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? तो डॉग फिश। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। कोशिका की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? रॉबर्ट हुक। और आज का लास्ट है, कोशिका झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए और बी, प्रोटीन, फास्फोलिपिड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक।